जमशेदपुर के जाकिर नगर कब्रिस्तान से इस वक्त मैं लाइव हूं और आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज शब बारात की शुरुआत और ये पहली शाम दुआ के साथ जाकिर नगर कब्रिस्तान से हुई है। इज्तिमाई दुआ के ख़त्म होने के बाद लोग अपने तमाम वह लोग जो सुपुर्द खाक हो गए, जो इस फ़ानी दुनिया को छोड़ कर चले गए, उन लोगों की कब्रों पर आकर फातिहा खानी कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये कि जिस तरह से आप लाइव ये तस्वीर जाकिर नगर कब्रिस्तान से देख रहे हैं, मैं फिर से एक बार आप सभी को बता देता हूँ कि कब्रिस्तान से वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करना बिल्कुल मना है, सख्त मना है। और बस हम सिर्फ आपको इसलिए यह दिखा रहे हैं क्योंकि दो साल पहले जो कमेटी थी, दो साल के बाद एक नई कमेटी का गठन जाकिर नगर कब्रिस्तान के लिए किया गया है और इस कमेटी के द्वारा कई सारे काम किए गए हैं। उस काम को दिखाना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जमशेदपुर के वो लोग जो एक्सपैट्स इन कतर या फिर अन्य दूसरे कंट्री में रहते हैं, खासकर कतर में रहने वाले जमशेदपुर के कुछ बॉयज़, कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और उसके ज़रिए जाकिर नगर कब्रिस्तान में कई सारी मदद डोनेशन वो लोग करते हैं, जिसकी वजह से आपको जाकिर नगर कब्रिस्तान का ये नज़ारा दिख रहा है। और ये तस्वीर जो सालों पहले काफ़ी बदहाली और काफ़ी दयनीय स्थिति इस कब्रिस्तान की थी, जब बरसात के दिनों में लोग अपने मैयत को दफनाने के लिए यहाँ पर आते थे तो इस कदर ज़मीन से पानी निकलता था कि मैयत को दफनाना काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन जमशेदपुर के वह नौजवान और ख़ासकर कमेटी के लोगों ने काफ़ी बेदारी के साथ काम किया और दिलजमई के साथ काम किया, जिसके बाद जाकिर नगर कब्रिस्तान कुछ इस तरह से अब दिखता है। नई इमारत, नई बिल्डिंग बन गई है, वजू खाने की नई बिल्डिंग है और भी कफन दफन के लिए, मैयत के लिए तमाम जो सहूलियात है इसमें ऐड हुई है। और जिसके बाद जाकिर नगर कब्रिस्तान एक बहुत ही बेहतर अभी ढंग से आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ लोग बहुत ही आफियत के साथ आते हैं अपने उन तमाम मरहूम मरहूमीन के लिए दुआएं मगफरत करते हैं। और ख़ासकर शब बारात का आज दिन इस मौके पर जाकिर नगर कब्रिस्तान में अभी शाम के वक्त इज्तिमाई दुआ मदीना मस्जिद के मुफ्ती और इमाम मुफ्ती अब्दुल मालिक मिसबाही ने की और इसी के साथ लोग अपने मरहूम मरहूमीन की कब्र पर फातिहा पढ़ रहे हैं। तो जाकिर नगर कब्रिस्तान जमशेदपुर में जाकिर नगर क्षेत्र मानगो क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है और इस कब्रिस्तान के अंदर जितने भी काम हुए हैं माजी में कमेटी के द्वारा और नई कमेटी के गठन होने के बाद 9 लोग लगभग इस कमेटी में शामिल हैं, जिसमें
इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है, काफ़ी सहयोग रहा है इस कब्रिस्तान को बेहतर बनाने के लिए। आप जिस पैसेज को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पैसेज बनाने में, पेवर ब्लॉक्स बिछाने में, ये कलवट और नाली बनाई गई साइड साइड में, और हाई मास्ट लाइट, यहाँ पर पहले काफ़ी अंधेरा हुआ करता था और इस अंधेरे में लोग मैयत को दफनाने के लिए आते थे और उसमें काफ़ी दुश्वारियों का लोगों को सामना करना पड़ता था। अपने हाथों में जनरेटर के लाइट्स वगैरह लेकर आया करते थे जिसकी मदद से लोग अपने मुर्दों को दफनाया करते थे। लेकिन एक बहुत ही पुरएतमाद और बहुत ही खूबसूरत और दिलकश तरीके से इस कब्रिस्तान के अंदर काम किए गए और इखलास और मोहब्बत के साथ लोगों ने ताउन किया, जिसके बाद से अब कब्रिस्तान की अलग तस्वीर और अलग माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। आप अगर इस तरफ देखेंगे तो कई सारे यहाँ पर नल भी लगाए गए थे और जब लोग आते थे यहाँ पर अपने मैयत को लेकर दफनाने के लिए तो उस वक्त में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी और वज़ू खाने कम थे, नल कम थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। तो लाइन से कब्रिस्तान के आखिरी हिस्से में लाइन से नल लगाए गए हैं, वज़ू खाने बनाए गए हैं, जहां पर लोग जब मिट्टी देने के लिए कब्रों पर जाते हैं तो यहां से वज़ू करते हैं, यहीं पर आकर हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं। और पूरे कब्रिस्तान में आपको हर बीचों बीच में कुछ कुछ लाइट्स और पोल लगे हुए देखने को मिलेंगे, जो इस कब्रिस्तान में हर जगह आपको रोशनी नज़र आएगी। लेकिन पहले इसकी स्थिति बद से बदतर थी, बहुत ही ख़राब स्थिति थी और काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पर झाड़ियाँ और घास हुआ करती थी, जिसकी वजह से अंदर आ पाना, मैयत को दफना पाना बहुत ही मुश्किल होता था। और इस चीज़ को एक्सपैट्स इन कतर, इसी के साथ साथ दुबई हो, सऊदी अरब हो, तमाम जगह पर जमशेदपुर के लोग, जो प्रवासी जो लोग हैं, उन लोगों की ख़ास मदद और उन लोगों का ख़ास योगदान रहा, जिसकी वजह से ज़ाकिर नगर कब्रिस्तान में एक बेहतर काम हुआ और इस काम को लोगों ने सराहा भी। एक नई कमेटी का गठन और इसके बाद अब और डेवलपमेंट और बेहतर आपको ज़ाकिर नगर कब्रिस्तान में काम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज शब बरात की रात है और इस मौके पर ज़ाकिर नगर कब्रिस्तान से हम लाइव तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, और इस इबादत की रात में आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और जिस तरह से ज़ाकिर नगर कब्रिस्तान के लिए हमेशा से आप लोग आगे आते रहे हैं, उसी तरह से इसको और आगे बढ़ाने के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए, और यहाँ जो सुख सुविधा आप देख रहे हैं वो तमाम चीज़ें और बेहतर हो सके, उसके लिए आप हमेशा बढ़ चढ़ कर इसमें ताउन करते रहिए, हिस्सा लेते रहिए। और आज की रात एक ख़ास रात है, इबादत की रात है, तो इस रात में ख़ास आप अपने आप को इबादत में गुजारें। इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे। हम आज की रात किसी और कब्रिस्तान से, वहाँ से आपको वहाँ की तस्वीर, वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा, किस तरह का माहौल है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से वहाँ पर काम हुए हैं, जो पहले वहाँ पर जाना मुश्किल हुआ करता था, मुश्किल ही नहीं कह सकते हैं, आपकी नामुमकिन सा लगता था लोगों को कब्रिस्तान में दाखिल हो पाना। इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, जंगल जैसे कब्रिस्तान हुआ करते थे, जब कब्र खोदी जाती थी तो पानी ही पानी निकलता था, उस कब्रिस्तान का हाल बिल्कुल ही बदल चुका है। तो हम वहाँ भी जाकर आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज की रात में किस तरह का माहौल पूरे जमशेदपुर में है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, मिलेंगे आपसे किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।